हेलो गाइस, वेलकम है आपका आज के इस मंडप में। और आज हम आए हैं हावड़ा के साउथ में, जो कि ये पंडाल है पायलट बगान का। और आप देख पा रहे हैं कितना ऐतिहासिक पंडाल बनाया है, बहुत ही खूबसूरत। आप देखिए मूविंग स्वैन है, यहाँ पर सुपर बनाया है। ये देखिए पानी भी बनाया है ब्लू के साथ, आप देख रहे हैं। और देखिए ये मूविंग है ये वाला, जो भी आप देख पा रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं हम लोग। ये भी शॉर्टलिस्टेड हुआ है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले पंडाल पे और मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। वेलकम बैक गाइस, और अभी हम आ गए हैं हावड़ा सेंट्रल साउथ के बलगछिया में। यहाँ पर छापर है और यहाँ पर बहुत ही विशाल पंडाल बना है, जो कि मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। और यहाँ का आज का इस बार का जो थीम है वो थीम है जगन्नाथ पुरी का टेंपल, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं अभी। चलिए तो अब हम आ गए हैं, आप देखिए एंट्री यहीं से शुरू हो चुकी है, ये पूरा पंडाल है। अब हम चलेंगे अंदर में और मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का। ये देखिए ये अंदर का विशाल पुरी जगन्नाथ टेंपल, बहुत ही फैंटास्टिक बनाया, आप देख ही पा रहे हैं। और मैं आपको पूरा पंडाल यहाँ से दिखाऊंगा। आइए इधर में आइए। पूरा बारीकी से जो जगन्नाथ मंदिर में है वही चीज यहाँ पर दर्शाया गया है। और आप पंडाल को देख सकते हैं, कोई भी चीज मिस आउट नहीं की है। हूबहू आपको जगन्नाथ पुरी का दर्शन मेरे इस पंडाल पे आपको मिलेगा, जो कि है छात्र दल बलगछिया में। देखिए जगन्नाथ का भी किया है यहाँ पर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये भी पूरा बनाया है, जो कि सेम टू सेम आपको जगन्नाथ पुरी में मिलेगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे अंदर प्रतिमा के लिए। फिर अब आप झूमर देख पा रहे हैं कितना सुंदर किया है, और उसके ऊपर में आपका थर्मोकोल का सपोर्ट भी किया है। अब आप देखिए मूर्ति, कितनी प्यारी मूर्ति है, वाह। और आप ऊपर झूमर में देख पा रहे हैं, हर एक झूमर में थर्मोकोल का सपोर्ट किया हुआ है, ये कुछ नया देखने को मिला है। आपने बैकग्राउंड में देखिए यहाँ पर चक्र बनाया हुआ है, चक्र बनाया है। और आप पूरा ये ऊपर का इनर देख सकते हैं, थर्मोकोल का सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर मिलेगा आपको। थर्मोकोल में देखिए यहाँ पर जगन्नाथ के भगवान जी भी मिलेंगे आपको यहाँ पर देखने के लिए, इस साइड में मिलेगा और यहाँ पर भी किया है। चलिए तो अब हम लोग बाहर चलते हैं, और आपको आशा करता हूँ ये पंडाल आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके फटाफट करके नोटिफिकेशन, ताकि आपके पास आ जाए। और ये फाउंटेन बनाया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आगे में फाउंटेन बनाया है, इसी का फाउंटेन है यहाँ बनाया है। अब हम लोग मिलेंगे आपको अगले पंडाल पे, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले पंडाल पे। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं शानपुर बलगछिया चटर्जी पारा में, और यहाँ पंडाल बनाया है। ये यहाँ पर कितना सुंदर से बनाया है, टायर थर्मोकोल का गाड़ी है, मैटाडोर है, बहुत सुंदर बनाया है। देखिए डबल डेकर बस जो पहले थी, अभी बहुत कम हो गई, एक्चुअली है ही नहीं, ना के बराबर है। ये है ट्राम जो कि कलकत्ता का बेस्ट है, आप देख पा रहे हैं सिंगल बोगी वाला है, और घोड़ा भी है यहाँ पर। ये शिप बनाया गया है, और ये कार जो पहले जमाने की जो थी, देखिए कार बनाया लेकिन उसके ऊपर में पेंटिंग बनाया, पेंटिंग कितना सुंदर से बनाया है, पूरे नीट एंड क्लीन प्योर पेंटिंग है ये। और यहाँ पर थर्मोकोल का यूज़ किया गया है। इधर देखेंगे, देखिए इधर में टेलीफोन बनाया है, ये टेलीफोन बनाया है थर्मोकोल का ही है, सब कुछ थर्मोकोल का बनाया है। वो इस्त्री है जो प्रेस, जो भारी लोहे की जो इस्त्री होती है वो बनाया है। यहाँ ट्रक बनाया है,
ये रिक्शा है, लेकिन उसके संग आप देखिए थर्मोकोल के संग आर्ट को मर्ज किया गया है। ये एक खासियत बनाया है पंडाल में, इसको इसीलिए ये इसको यूनिक करता है। तो हम लोग चलेंगे आगे में, देखिए मूर्ति को देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पंडाल पे। अब हम आ चुके हैं जम्मू चला के मैदान में और यहाँ पर बना है पंडाल। आप देखिए यहाँ पर ये एंट्री है, चलिए एंट्री करते हैं मैदान में। ये है पंडाल, क्या पंडाल बनाया देखिए, जंगल पुराना मंदिर देख पा रहे हो, आदिवासी जो को आदिवासी का बनाया है। यहाँ पर अंदर चलते हैं, देखिए कितना सुंदर लोकेशन भी बनाया है यहाँ पर। चलिए अंदर चलते हैं, ये देखिए ऊपर का स्वीट। और आप एक चीज मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर है आपका नेचुरल भगवान जी जो भी है, और यहाँ पर थीम वाइज आपको दिखा रहा हूँ मैं। थीम वाइज में आप एक चीज देखोगे, यहाँ पर देखो वहाँ पर आदिवासी लोग रियल में पूजा कर रहे हैं। देखिए वहाँ पर आदिवासी बनाए लेकिन पूजा रियल में हो रही है। देखिए करछी हिल रही है, डमरू हिल रहा है, हिरन भी, हिरन का आप देख पा रहे हैं, देखिए रियल में हो रहा है। कितना बढ़िया दिखाया मैं आपको, क्लोजअप से दिखा रहा हूँ। ये आपको यहाँ पर मिलेगा मेरे चैनल पे, गए आदिवासी लोग देखने मिल रही है, पूरा आदिवासी का बनाया है। देखिए सीढ़ी भी बनाई गई है यहाँ से, तो नेचुरल लुक देने के लिए पूरा आदिवासी चीज बनाया है। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सा पंडाल आपको अच्छा लगा है मेरे चैनल पे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले पंडाल पे, अगले लोकेशन पे। आ चुके हैं हम और एक पंडाल पे, जो आप देख पा रहे हैं ये है जम्मूचला का और एक पंडाल। चलिए इसको अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की तरफ। यहाँ से आप देख पा रहे हैं पूरे पंडाल को। जी पीछे देखिए कितनी बड़ी भीड़ है, काफी भीड़ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखिए पूरा चौट से बनाया गया है, हाथ पंखा यूज किया गया है। ये देखिए पूरा हाथ पंखा यूज किया गया है, टोकरी यूज की गई है, फिनिशिंग के लिए नीचे में मैट दिया गया है। ये देखिए कितना प्यारा पंडाल बनाया है, आप सामने से देख पा ही रहे हैं। देख पा रहे हैं देखिए ये बनाया है बाघ का टीका, ये कौन सा के जैसे बनाया है पूरा अंदर में। और आप अंदर से देखिए जो दिए जिसको आपको जो लग रहा है दिया है, वो एक छोटी 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 लाइट बनाई गई है लाल कलर की है। और अंदर में पूरा छोटे छोटे जो टोकरी होती है उससे ये पूरा पंडाल बनाया गया है। आप देखिए ऊपर में पूरा टोकरी और रिबन यूज किया गया है, टोकरी का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है, और वो सब जो है वो लाइट है। देखिएगा सब लोग की लाइक लाइक कर दीजिएगा फटाफट करिए। और देखिए आप देखिए कितना प्यारा है और कितना रियल है, आप देखिए रियल फील।